जी, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड आपके फर्स्ट ईयर 2023 से 25 सेशन का जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि है वो जारी हो चुका है। और इसके रिगार्डिंग हमने पिछली वीडियो में जो है पूरी डिटेल बता दिया है कि आपका जो है 24 आपके जनवरी से लेकर आपके 6 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसमें डॉक्यूमेंट आपके जो लगेंगे वो सभी चीज मैंने आपको बता दिया है। 10th 12th ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट यानी फोटोकॉपी लगेगा, आधार और फोटोकॉपी लगेंगे, फोटो लगेंगे। और आपके जो पैसे निर्धारित किए गए हैं वो रजिस्ट्रेशन फी का जो है 400 रुपये रखा गया है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा लिया जाएगा, सरकारी कॉलेज में भी 2000 के आसपास 1600 के आसपास लिए जाएंगे या 800 या 500 रुपए लिए जा सकते हैं, यानी कुछ ज्यादा लगते हैं, जितना बोला जाता है ना उससे ज्यादा लिए जाते हैं। इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरी डिटेल बता दिया है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कैसे भरना है। यहाँ पर जो फॉर्म देख रहे हैं यह आपका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लेकिन यह सेशन जो है पुराना है, लेकिन सेम आपका यही रहता है, समझ गए, सेम आपका जो है यही फॉर्म रहता है, समझ गए। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, पटना के द्वारा जारी किया गया है। और यह सेशन देखिएगा तो 2020 से 22 का है, लेकिन ये आपका सेशन यहाँ पर 2023 से यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस देख सकते हैं 2 ईयर्स डीएलएड फेस टू फेस कोर्स, समय रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। इसमें आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको समझना बहुत जरूरी है, समझ गए ना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको एक फोटो लगेगा, यहाँ पर आपको अपना फोटो दे देना है, चिपका देना है, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि जितने भी आप वर्ड लिखेगा सब आपको कैपिटल लिखना है, बॉक्स में यानी बड़ा वर्ड लिखना है। अब देखिएगा, पहला यहाँ पर देख रहे हैं, पहला यहाँ पर एक कॉलेज कोड जो कि हम सभी लोगों को नहीं पता है, वो कॉलेज आपको भर लेंगे। दूसरा आपको कॉलेज नेम लिखना है, तो कॉलेज नेम में आपका जो भी हो यानी डाइट हो, DIET लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, एक अक्षर छोड़ देंगे, यहाँ पर सिवान लिख देंगे, समझ गए, ये हमने लिख दिया। चाहेंगे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिवान, लेकिन छोटा में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। स्टूडेंट नेम आपका यहाँ पर है, तो स्टूडेंट नेम जो आपका है वो लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, जो ये आपका स्टूडेंट नेम है वो लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका जो है स्टूडेंट नेम इन हिंदी, अब यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिए, समझ गए, यहाँ पर मैं लिख कर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको गलती नहीं, इतना लिख लिए। फिर आगे बढ़िएगा तो मदर्स नेम, अब मदर्स नेम जो है आपको लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, मान लीजिए। फिर यहाँ पर जो है मदर्स नेम आपको हिंदी में लिखना है तो वहीं पर लिख लीजिए, ये आप हिंदी में लिख लीजिए। फिर यहाँ पर फादर्स नेम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है तो फादर्स नेम यहाँ पर लिख लीजिए, जो आपका है पूरा कैपिटल होना चाहिए, समझ गए, यानी कि जो भी आपका है ये भर लिए फादर्स नेम, इतना तो कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। आगे बढ़िएगा तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो लिख लीजिए, समझ गए, डेट ऑफ बर्थ जो है आपका लिख लीजिए, ये डेट ऑफ बर्थ लिख लिए। फिर यहाँ पर जो है क्लास 12 पासिंग बोर्ड नेम, यानी क्लास 12 जो है आप किस बोर्ड से पास किए हैं, तो मान लीजिए कि हम बिहार बोर्ड से तो BSE भी लिख देंगे, अगर आप CBSE से हैं तो CBSE लिख देंगे, क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, क्लास 12 बोर्ड आपको रोल कोड भरना है, तो जो आपका रोल कोड है क्लास 12 का वो भर दीजिए, मान लीजिए। फिर यहाँ पर रोल नंबर भर दीजिए, जो आपका रोल नंबर होगा वो भर दीजिएगा, समझ गए। फिर यहाँ पर पासिंग ईयर लिख दीजिए कि हम जब पास किए हैं वो कौन सा ईयर है, तो आप लिख लीजिए, क्लियर है ना, पासिंग ईयर लिख लिए। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर मार्क्स ऑप्टेन है, यानी कितना आपने मार्क्स ऑप्टेन किया 500 में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हम जो है 412 नंबर स्कोर किया, परसेंटेज है तो आप लिख लीजिए 82-83%, जितना आपका होगा इतना कर लिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। यानी कहने का मतलब है ये दोनों चीज, पहला नंबर छोड़ देना है, ये आपका पहला नंबर होगा ये पता नहीं है, कॉलेज कोड आप कॉलेज से पूछकर भर लीजिएगा, नहीं तो कॉलेज में आइएगा तो भर लीजिएगा। कॉलेज नेम भर दीजिए, स्टूडेंट नेम हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, मदर्स नेम हिंदी इंग्लिश, फिर यहाँ पर जो है आपका फादर्स नेम हिंदी इंग्लिश, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12 का बोर्ड रोल नंबर, बोर्ड रोल नंबर, बोर्ड कोड, और आपका कब पास किए हैं, कितना नंबर है, कितना परसेंटेज है, इतना भरने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। इतना भरने के बाद जो है आपको आगे बढ़ना है, यहाँ भर लिए। अब 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर में आपका जेंडर पूछा है तो मेल पर टिक कर दीजिए, कैटेगरी पूछा है तो आप जनरल है, बीसी है तो बीसी है तो बीसी में टिक कीजिए, जो है भर दीजिए। फिर यहाँ पर बोला है कि डिफरेंटियल एबल, यानी कि आप क्या मतलब फिजिकल डिसेबल है, तो नहीं है तो नो भरेंगे, अगर यस है तो यस भरेंगे। यहाँ पर नेशनलिज्म पूछा है तो इंडियन है तो इंडियन भरेंगे, रिलीजन पूछा है तो हिंदू भरेंगे, आप जो भी है वो भर लेंगे। यहाँ पर आपका पूछा है अर्बन और रूरल, यानी किस एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि ग्रामीण है कि शहरी है,
तो आप जो भी ग्रामीण होंगे तो ग्रामीण शहरी होंगे तो शहरी आप भर लेंगे, क्लियर है। फिर यहाँ पर बोला है मोबाइल नंबर स्टूडेंट कंपलसरी, तो यहाँ पर आप जो है मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो आप भर दीजिएगा, क्लियर है, मोबाइल नंबर भर दिए। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी आपको भरना है, तो जो आपका ईमेल आईडी है वो आप भर दीजिएगा, समझ गए, जो आपका ईमेल आईडी है उसको आपको भर लेना है। इस तरह का ईमेल आईडी आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं या कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ईमेल आईडी स्मॉल लिखे कोई दिक्कत नहीं है। आधार नंबर है जो आप भर दीजिए, जो आपका आधार नंबर है उसको यहाँ पर आपको भर देना है, आधार नंबर भर दिए। फिर यहाँ पर एड्रेस भरना है, तो एड्रेस में आपको फुल एड्रेस भर दीजिएगा, जिस प्रकार हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये हो गया, मान लीजिए कि आप ये लिख लीजिएगा, यानी फुल एड्रेस में आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर लिख लीजिए विलेज लिखकर, यहाँ पर सोनपुर, फिर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिखकर जो भी आपका होगा वो भर लीजिएगा कैपिटल में सोनपुर। फिर यहाँ पर जो है पीएस होता है, थाना होता है, तो ये आपको भर देना है। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भर देना है, पिन कोड यहाँ पर भर देना है, ये भर देने के बाद इतना हो गया। स्टेट भी आप लिख सकते हैं, मान है तो ये भी लिख दीजिए, समझ गए, इतना आपको भरना है, देख सकते हैं भर रहे हैं जो। फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पर पूछा है कि मेटेरियल स्टेटस, यानी कि शादीशुदा है कि नहीं शादीशुदा है, क्योंकि डीएलएड ऐसा कोर्स है जहां पर कितने ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा भी होते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा नहीं होते हैं, तो अगर शादीशुदा है तो ठीक है, नहीं है तो अनमैरिड लिख दीजिएगा, क्लियर है। आगे आप देखिएगा ये जो 22 नंबर है ना, ये बहुत, इतना समझ गए ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना है जो आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिएगा, इतना समझ गए, अब जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं, अब जो ये 22 नंबर है ये समझिएगा, 22 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना तो इजी था सब आपने भर दिया, 22 नंबर को हम अभी बताएंगे। उससे पहले मैं आपको 23 नंबर बता देता हूँ। 23 नंबर यहाँ पर पूछा है मीडियम, ये मीडियम आपका पूछा है कि आप जो है डीएलएड एग्जाम जो है किस मीडियम में दीजिएगा, यानी डीएलएड का जो ये मीडियम है ना 23 नंबर पर, याद रखिएगा ये 23 नंबर आपका जो यहाँ पर मीडियम पूछा है, इस बातों को समझिएगा, यानी पूछ रहा है कि आप जो है एग्जाम आप किस मीडियम में दीजिएगा, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ है। अगर आप एग्जाम जो है हिंदी मीडियम में दीजिएगा तो हिंदी में क्लिक कर दीजिएगा, अगर आप एग्जाम जो है इंग्लिश मीडियम में दीजिएगा तो इंग्लिश पर क्लिक कीजिएगा, ये समझ गए। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर करना है हिंदी में, समझ गए, यहाँ पर आपको हिंदी में सिग्नेचर करना है और यहाँ पर आपको इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, समझ गए, इंग्लिश में आपको जो है सिग्नेचर करना है, और यहाँ पर सिग्नेचर और प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल अपना मोहर मारेंगे और इस तरह का सिग्नेचर कर आपका कर देंगे, ये आपका पूरा हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पर बचा हुआ है जो मैं आपको यहाँ पर 22 नंबर बताने वाला हूँ। अब 22 नंबर को समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जी 22 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट यहाँ देखिएगा, 22 नंबर पूछा है ना डिटेल ऑफ सब्जेक्ट कोड S9 हायर लेवल ऑफ क्लास 6 to 8, यानी कि आप क्लास 6 to 8 के लिए जो है आप कौन सा विषय का चयन करेंगे, जो सेकेंड ईयर में आपको एक विषय पढ़ना रहता है S9, जो कि आगे चलकर आप क्लास 6 to 8 के लिए टीचर बन सकते हैं, उसके लिए आप कौन सा सब्जेक्ट का चयन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिएगा, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, इतना सारा सब्जेक्ट आपको दिया है, लेकिन हम S9 में क्या ले इसके ऊपर हम बताएंगे, और इसको समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, S9 के बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये आपका S9 पेपर होता है ना, इसमें आपको टोटल जो है 9 सब्जेक्ट अप्रोक्स होते हैं, और इसका चयन जो होता है क्या होता है कि 6 to 8 क्लास में टीचर बनने के लिए होता है, 6 to 8 क्लास में जो है आपको टीचर बनने के लिए होता है। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि 6 to 8 क्लास में टीचर कौन बन सकता है, जो ग्रेजुएशन पास आउट हो, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, लेकिन डीएलएड तो 12 पास आउट भी करते हैं, तो डीएलएड तो 12 पास आउट भी करते हैं। तो अब यहाँ पर बातें समझिएगा, मान लीजिए कि आप जो है ग्रेजुएशन कर लिए हैं, और ग्रेजुएशन किस ऑनर से किए हैं, यानी ग्रेजुएशन आप जो है किस ऑनर्स, जो आपका ऑनर्स होता है ना आपने किया है, वही ऑनर्स जो है आप S9 पेपर में ले लीजिएगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन, मान लीजिए कि ग्रेजुएशन हमने साइंस से किया है तो हम S9 पेपर जो है साइंस लेंगे, अगर हमने ग्रेजुएशन आर्ट से किया है तो S9 में हम सोशल साइंस ले लेंगे, अगर हमने ग्रेजुएशन मान लीजिए कि और भी बायोलॉजी से किया है तो माने तो मैथ ले लीजिए, तो साइंस ले लीजिए, समझ गए ना। यानी जो बच्चा ग्रेजुएशन करके डीएलएड कर रहा है ना, तो वो S9 पेपर में अपना ग्रेजुएशन का जो ऑनर्स पेपर होगा उसी के रिलेटेड आप सब्जेक्ट लीजिएगा, समझ गए ना, चाहे आपका जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसके अनुसार ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत उन बच्चों का है जो 12 पास आउट किए हैं। अब 12 में देखिएगा कि इसमें 2 टर्म आ जाते हैं, एक आपका आर्ट्स आ जाता है और एक आपका जो है साइंस आ जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अभी जो है 12 पास आउट किए और डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड आप जो है कर रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद जो है आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, तो ग्रेजुएशन करने के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा अभी से ही सोच लीजिएगा। मान लीजिए कि हम 12 साइंस से किए हैं तो हम आगे चल के ग्रेजुएशन भी साइंस से करेंगे, मन करिए कहीं आर्ट से करने का, तो हम अगर आर्ट से, अगर मेरा मन है कि हम 12 के बाद
डीएलएड करने के बाद आर्ट्स से हम ग्रेजुएशन करें तो आपका आर्ट्स वाला ही सब्जेक्ट ले लीजिएगा। अगर आपका मन है कि हम साइंस ही किए हैं और साइंस ही करेंगे तो साइंस का ले लीजिएगा। और जो बच्चे महिला लोग तो ज्यादा आर्ट्स ही लेती है ना, तो महिला लोग अगर आर्ट्स में है तो आर्ट्स ले लीजिएगा। सोशल साइंस हिंदी भी ले सकते हैं, मन है तो आप हिंदी ले लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका बायोलॉजी है तो आपका मन है कि हम आगे चल के मैथ से करना चाहेंगे तो आप मैथमेटिक्स ले लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है जो यहाँ पर S9 पेपर में आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें आपको जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए उनको तो दिखते नहीं है। यानी कहने का मतलब है जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वो तो आपका ग्रेजुएशन का ऑनर्स पेपर लेंगे। यानी अभी जो है जो डीएलएड कर रहे हैं वो 12 और ग्रेजुएशन करने के बाद, तो जो बच्चे का ग्रेजुएशन होगा ना वो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट ही लीजिएगा। क्लियर है? मान लीजिए कि अगर आपका मैथमेटिक्स है तो मैथ में लगा देंगे, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, इसमें बहुत दिक्कत होता है, हर बच्चों का अलग अलग लेना पड़ता है। अब कोई बच्चा उर्दू वाला है तो उर्दू भी ले सकता है, लेकिन यहाँ पर उर्दू भी दिया हुआ है। अगर संस्कृत ले संस्कृत लीजिए, मैथिली लीजिए, बांग्ला लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन जो 12 कर ले, जो 12 करके कर रहा है ना, जो बच्चा 12 करके कर रहा है वो कोई भी ले सकता है। लेकिन याद रखना पड़ेगा अगर लीजिएगा तो आगे आपको उसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आज जो बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया है ना वो अपने ग्रेजुएशन के अनुसार जो आपका सब्जेक्ट पेपर होता है या जो आपका ऑनर्स पेपर होता है उसके अनुसार आप ले सकते हैं। क्लियर है? इसके रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगा जहां पर फुल डिटेल बताएंगे। अभी थोड़ा मेरा इन्वर्टर लूज हो गया है तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो कोई दिक्कत तो नहीं है किन्हीं को? आज के लिए इतना ही। फॉर्म कैसे भरना ये तरीका मैंने आपको बता दिया है, फॉर्म भरने के तरीके को आप लोग शेयर कीजिए और सभी बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये पीडीएफ आपको जो है कॉलेज के द्वारा मिल जाएगा, नहीं तो मैं भी आपको डाउनलोड करके दे दूंगा कल या परसों। ओके, टेक केयर, धन्यवाद।